लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर खूबसूरती के साथ जज्बात और चरित्र भी हो तो क्या बात है, मेरा ख्याल था जब सांस पर उंगलियां पड़ती हैं तो नगमा पैदा होता है, लेकिन पांव की उंगलियां भी धरती से संगीत पैदा कर सकती हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आओ मेरे पास आओ। ये क्या कर रहे हैं? मैं ये देख रहा था कि तुम्हारे पांव कौन सा साज बजा रहे हैं। बिच्छू हैं। तुम्हें बिच्छू की झनकार बहुत पसंद है? सुना है कि किसी जमाने में ये घर माता जी के बिच्छू की झनकार से गूंजा करता था, यही सोचकर पहन लिए कि वो गूंज फिर से लौट आए। अच्छा, बिच्छू की झनकार में भी कोई कहानी है? खैर होगी, रजनी कला पर ये बहुत ही दिलचस्प किताब है। कला क्या है, कलाकार क्या है, इन दोनों के संबंध में बहुत ही दिलचस्प बातें लिखी हैं। आज ही तो मैं पढ़ चुका, बाकी तुम पढ़ के सुनाओ। मैं? हाँ, ये लो, यहाँ से पढ़ो। सोच क्या रही हो रजनी, पढ़ो ना। लोग कहते हैं जब पत्नी कुछ पढ़कर सुनाती है तो उसकी आवाज का अमृत कानों से उतरकर पति के दिल में आ जाता है। जरा मैं भी देखूं ये बात सच है या झूठ। कितनी देर हो गई, मैं पिताजी को देखकर आती हूं। देखो रजनी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बार बार पिताजी के सामने ना जाया करो, लेकिन तुम नहीं मानती। देख लेना, हंसती हुई जाओगी और रोती हुई आओगी। मेरे पास बैठो और मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। नहीं नहीं, मैं देख कर आती हूँ, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, वो सोए या नहीं। आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। गंगा, गंगा, क्या हुआ लाला जी? गंगा, तुमने भी सुना? क्या? बिच्छू की आवाज। नहीं गंगा, पार्वती आई थी मेरे पास, पार्वती आई थी गंगा। आपने सपना देखा होगा मालिक। नहीं, उसने मुझे अपने हाथों कंबल उड़ाया और जब वो जाने लगी तो बिच्छू की आवाज से कमरा गूंज उठा। वो बरामदे की तरफ गई हुई। जल्दी से देखो गंगा, जल्दी से देखो। है ना मालिक, बहुरानी है। रजनी, क्या अधिकार है उसे वैसे बिछुए पहनने का? उसकी जरूरत कैसे हुई? जाओ उसे कहो कि फौरन बिछुए उतार दे। नहीं, जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? ठीक है, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि हंसती हुई जाओगी और रोती ही आओगी। यहाँ हर रोज यही तो होता है। रजनी, तुम कोशिश करती हो कि अपने प्यार और स्वभाव से पिताजी का दिल जीत लो, लेकिन ये नामुमकिन है। तुम्हें उनसे नफरत ही मिलेगी, प्यार नहीं मिल सकता। देखिए, अगर आपके पिताजी आपसे ये कहें कि आप उनके सामने न जाया करें तो क्या आप जाना छोड़ देंगे? अगर वो आपको बुरा भला कहें तो क्या आप उसे अपमान समझेंगे? अपमान कैसा, आखिर वो मेरे पिता हैं। तो क्या वो मेरे पिताजी नहीं? इसीलिए तो मैं बार बार उनका दिल जीतने की कोशिश करती हूँ। क्या ये भूल है मेरी? भूल नहीं, पिताजी का दिल ही कुछ ऐसा हो गया है कि वो तुम्हारी सेवा और श्रद्धा की कदर नहीं करते। रो नहीं रजनी,
रोना। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण के जन्मदिन पे सुबह सुबह तेरी सूरत देखनी थी, आज जरूर कोई मुसीबत टूटेगी। ला, सब कहते हैं तेरा रंग काला है, तू मनहूस है, छुपा कर क्यों नहीं रहती। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ना किसी ने जन्म पत्री देखी, ना शादी से पहले किसी बुजुर्ग ने देखा, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में इस घर में कदम डाले कि लाला जी अच्छे होते होते फिर बीमार पड़ गए। अब उनको खाकर ही चैन का सांस लेगी। दो, तीन, चार, पांच। कहां से लिए रे लड्डू? राम भैया लाए थे, अपनी भाभी ने मेरे को दे दिए। ओ, ये बात है। हाँ। अच्छा, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, आपको शक्कर की बीमारी है। ए, हाथ भर के चौकरे, तू भी मुझे समझाने चला? नहीं, मैं नहीं दूंगा। चाहे जान चली जाए, आज जरूर खाऊंगा। ए गंगा, ओ तू क्यों भूत प्रेत की तरह मेरे पीछे पड़ी है? तुम सब लोगों ने मुझे भूखा मारने की ठान रखी है, ले लो मेरी जान, ले लो। गंगा, देखा तुमने? हाँ मालिक, इन अभागी आंखों ने बहुत कुछ देखा। बहू को आपके हाथ से जहर छीनते देखा और आपके मुंह से बहू के लिए भूत और प्रेत जैसे शब्द भी सुने। मालिक, लोग कहते हैं लड़की के अपने माँ बाप जिंदा भी हों, फिर भी शादी के बाद सास और ससुर उसके माँ बाप बन जाते हैं। जरा सोचिए तो, वो जो बचपन में ही अपने माँ बाप खो चुकी हो, उस गरीब लड़की के दिल में अपने ससुर के लिए कितना प्यार होगा। मालिक, अगर आप बहू की श्रद्धा की कीमत नहीं डाल सकते तो कम से कम उस श्रद्धा के रास्ते में दीवार तो ना बनिए। बहू का यही दोष है ना, को आपकी सेवा करना चाहती है, क्या ये पाप है? ओ, अब तुमने भी मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। जानते हो, वो राम रोज टोकरे भर भर कर मिठाइयां लाकर अपनी बीवी को देता है, पति पत्नी दोनों बैठकर मजे से खाते हैं, खाए बड़ी खुशी खाए, मैं कोई रोकता हूं उन्हें? नहीं मालिक, मैं जानता हूं, मिठाई खाना तो एक तरफ, बहू मिठाई की तरफ देखती भी नहीं। क्या बहू को भी शक्कर की बीमारी है? नहीं सरकार, इसलिए कि आप मिठाई नहीं खाते तो इसलिए बहू भी नहीं खाती। ऐसा भी क्या, मुझे तो मीठा खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है। और उस देखो देखो मेरी हालत देखो, लेकिन वो जवान लड़की है, अगर उसका पति उसे प्यार से मिठाई लाकर दे तो उसे खानी चाहिए। अब नहीं खाएगी तो कब खाएगी? जा जाओ उसे कहो कि मिठाई खाए, जरूर खाए। नहीं मालिक, भला मैं ये कैसे कह सकता हूँ? क्यों मालिक, जब भी बहू आपके कमरे में आती है आप उस पर बरस पड़ते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं, ये जानते हुए वो कैसे यकीन करेगी कि आपने उसे मिठाई खाने के लिए कहा है? अरे, ये भी कोई बात हुई? एक तो मेरी बूढ़ी उम्र, उस पर बरसों की बीमारी, मैं जाने अनजाने कुछ भी बक जाऊं तो इसका मतलब यह है कि वो उस बात को दिल में बिठा ले। वो ये क्यों नहीं कहती कि यह घर मेरा है, मुझे यहां रहने का पूरा अधिकार है, यह सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। क्यों गंगा, क्या अधिकार नहीं उसका? क्यों नहीं, क्यों नहीं मालिक, लेकिन बहू ये भी तो जानती है कि आप उसके कालेपन से घृणा करते हैं। रहने दे, क्या काला होना कोई पाप है? भगवान कृष्ण क्या सामने सलोनी नहीं, तो क्या हम उनसे नफरत करते हैं? नहीं नहीं, वो कैसे है? कोयल भी तो काली होती है, लेकिन उसकी मधुर आवाज सुनकर कोई कानों में उंगलियां दे लेता है। अरे, और तू भी तो काला है। अरे गाली नहीं दे रहा, मेरा मतलब है क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? तो फिर बहू को राय का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत है? गंगा जी, एक गंगा जी, लाल मेरे कमरे में आने की जरूरत कैसे हुई? मुझसे कह रहे हैं जी, ये मेरा घर है, यहाँ आने का मुझे पूरा हक है। गंगा काका, कह दो इनसे। मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, कह दो इनसे। नाश्ता करना ही पड़ेगा। गंगा काका, कह दो इनसे। कह दो कि मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं, इस घर में मेरी मर्जी के सिवा और किसी की मर्जी नहीं चलेगी। गंगा काका, कह दो। अच्छा, बात यहां तक कहां पहुंच गई, मेरा डर भी किसी को नहीं रहा। क्या बेटी को पिता से डरने की क्या जरूरत है? पिता, पिता, मैं पिता हूं। बेटी, गंगा सुना तूने, मैं पिता, पिता। गंगा काका यहाँ नहीं है। चला गया, चला गया वो, चालाक कहीं का, मौके पर खिसक गया।
हाँ बेटी रजनी, मैंने सुना है तुम मीठा नहीं खाती। जी क्यों? जो चीज पिता के भाग्य में नहीं वो संतान के भाग्य में कैसे हो सकती है? बहू कैसी लड़की है तुम? देख आज से तुझे मिठाई खानी ही पड़ेगी, और अगर तूने इनकार किया तो मैं खाना शुरू कर दूंगा। हाँ क्षमा कीजिए पिताजी, जिस दिन आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आप अच्छे हो जाएंगे, उस शुभ दिन मैं आपके साथ बांटकर मिठाई खाऊंगी। जिस दिन मैं अच्छा हो जाऊंगा उस दिन तो खुद मुझे ढेर सारी मिठाई बनाकर खिलाएगी। जी हाँ, वो दिन इस घर के लिए सबसे बड़ा त्योहार। पिताजी आपको कौन कौन सी मिठाई पसंद है? लड्डू, बादाम बर्फी, गुलाब जामुन। बेटी शक्कर होनी चाहिए चाहे नमक में ही मिली हो, मुझे बचपन से ही मिठाई का बहुत शौक है। अच्छा पिताजी अब ये खाइए। ये मुझे खाना ही पड़ेगा, खाना चाहिए ना? जी हाँ। अच्छा अच्छा तेरे कहने से खा लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, डैडी डॉक्टर बल्ली भैया के हाथ पांव तोड़ तोड़ के बांध के ला रहा है। बल्ली बेटा ये कहां से मरम्मत करवाई? हाय बल्ली भैया ये चोट कहां से लगाई? कुछ नहीं भाभी, स्कूटर से गिर गया। खुशकिस्मती से हमारे डॉक्टर साहब उधर से गुजर रहे थे। तुम अभी तक बच्चे हो, तुमसे कितनी बार कहा कि स्कूटर तेज मत चलाया करो। फिक्र की कोई बात नहीं है, मामूली सा फ्रैक्चर है। अच्छा मैं लाला जी को भी देखता चलूं। चलो तुम चल के आराम करो, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। चलो। देखा देवर को जरा सी रगड़ लगी तो भाभी ने दूध गर्म करना शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर बल्ली ठीक है ना? डर की तो कोई बात नहीं, वो तो मैंने आपसे आते ही कह दिया था, सिंपल फ्रैक्चर है। लाला जी आप चलकर उसे देख क्यों नहीं लेते? आप अब अच्छे हैं, आइए चलिए। नहीं डॉक्टर, तुमने जो देख लिया फिर मेरे जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर मेरा ख्याल है जब से पार्वती दूसरी दुनिया में गई है मैंने बच्चों की कोई खास परवाह नहीं की, वो मेरी आदत से वाकिफ हैं और वो भी मुझसे ज्यादा पूछताछ नहीं करते, किसी ना किसी तरह चल रहा है। ओ गोभी के पराठे, भाभी गोभी के पराठों पर तो मैं जान देता हूँ, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। देव राजा खाना भी तुम्हारा है पेट भी तुम्हारा है, जितना जी चाहे खाओ। भाभी तुमने तो मेरी मनपसंद चीज बना दी, लेकिन लेकिन मैं खा नहीं सकता। उसकी तरह मुझे गिलास में दूध चावल दे दो, मैं पी लूंगा। मैं खिला देती हूँ बल्ली भैया। नहीं भाभी नहीं, अब हाथ से पट्टी खुलेगी तो खाऊंगा, तुम्हें क्यों तकलीफ दूं? तकलीफ बल्ली भैया, आज अगर तुम्हारी माता जी जिंदा होती और वो तुम्हें अपने हाथ से खिलाती तो क्या तुम उसे तकलीफ कहते? लो खाओ। इसमें ज्यादा है क्या? नहीं भाभी, आज मुझे पता चला है कि बेटे के लिए माँ क्या होती है। भाभी बचपन के बाद आज मैंने अपनी माँ को तुम्हारे रूप में देखा है। बल्ली भैया देवर भाभी के लिए अपने बेटे ही जैसा होता है। भाभी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली देवी स्वरूप भाभी मिली। तुम्हारे होंठों पर सदा मुस्कुराहट खेलती रहे, मैं यही प्रार्थना करता रहूंगा, मैं यही प्रार्थना करता रहूंगा। बल्ली भैया ये खाना कौन खा रहा है? ओ बल्ली बल्ली हाँ, मगर खिला कौन रही है? ओ रजनी है। रजनी को अपने हाथ से खिलाने की क्या जरूरत पड़ी? ओ बल्ली का हाथ टूटा है इसलिए। देख गंगा कोई बहू ऐसी हो सकती है, मुझे अपने घर बार की कोई चिंता नहीं, मैं बेफिक्र हूं।
बिल्कुल बेफिक्र। जी दूध पी लीजिए। ओफो, आपने तो समाधि लगा रखी है, योग अभ्यास कर रहे हैं क्या? सर्वनाश सर्वनाश। जी क्या हुआ? दिल्ली में एक ऑल इंडिया आर्ट कंपटीशन होने वाला है और मैं उसके लिए एक सुंदर सी तस्वीर का ख्याल सोच रहा था, मगर तुमने झंझोड़ कर मेरा सारा ख्याल मिट्टी में मिला दिया। बस इतनी सी बात, पहले दूध पी लीजिए, फिर आंखें बंद करके सोचिए कैसे अच्छे अच्छे विचार आते हैं। दूध पीने से ख्याल आ जाएगा? हाँ। तो फिर मैं क्यों जी, कितने दिनों में बन जाएगी ये तस्वीर? ख्याल जम गया तो एक दिन में बन ही जाएगी। बस एक दिन में? नहीं तो तीन दिन, तीन हफ्ते, और कहीं ख्याल का घोड़ा अटक गया ना तो तीन महीने भी लग सकते हैं। तीन महीने? रजनी जी आप जाएंगी? क्यों? आप जाएंगी तो मेरी कल्पना के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, चाहिए ना? तस्वीर बनाई है, कितनी प्यारी है। क्यों जी आप मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? रजनी तुम कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हो। बदली बदली सी कैसे, वैसी तो हूँ मैं। नहीं कोई तब्दीली जरूर आ गई है। मुझमें तब्दीली क्या आएगी? तुम्हारे शरीर पर एक निखार सा आ गया है और तुम्हारी आंखों में एक नई सी चमक है, जरूर इनके पीछे कोई राज छुपा है। कुछ भी तो नहीं, आप मुझे भी उन्हीं नजरों से देख रहे हैं जिन नजरों से अपनी तस्वीरों को देखा करते हैं। नहीं नहीं मैं जानता हूँ तुम क्या छुपा रही हो, अरे मैं तो कई दिनों से जानता हूँ। क्या जानते हैं जी? बताऊँ क्या बात है, आजकल तुम वक्त पर खाना खाने लगी हो इसलिए इतनी मोटी हो गई हो। नहीं ये बात नहीं है। तो बताओ क्या बात? बात ये है। ओफो पिताजी बुला रहे हैं। ये पिताजी तो मौका भी मौका बुलाते रहते हैं। बताओ रजनी क्या बात है? लौट कर बताऊंगी। नहीं अभी बताओ। लौट कर बताऊंगी। अच्छा तो फिर जल्दी लौटना। रजनी बेटी रजनी। मालिक जब आप खुशी खुशी बहू को आवाज देते हैं ना तो घर की दीवारें भी गूंजने लगती हैं। गंगा इस वक्त बात ना करो। रजनी आपने बुलाया पिताजी? हाँ बेटी आज तूने मटर कितने मजेदार बनाए, मैं तो उंगलियां चाट गया। उतने अच्छे तो नहीं जितनी आप तारीफ कर रहे हैं। क्यों नहीं, क्या मसाला है, क्या खुशबू है। ले तुम्हें खुशबू सुनकर देख, सुनकर देख। गंगा ये कह के रहने को क्या हुआ, वो इस तरह भाग क्यों गई? अरे मुंह क्या देख रहा है, जरा पता लगा। अरे जा भी। बहुरानी, बहुरा लक्ष्मी, बहुरानी को क्या हुआ? बताती हूँ। लाला जी, क्या है गंगा? आप दादा बनने वाले हैं। दादा? मैं फार्म का दादा बन जाऊंगा। गंगा सच में कोई दादा बनने वाला? यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे पास पार्वती, 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 मैं दादा बनने वाला हूँ। दादा? तू दादी बनने वाली है सुना? दादी? मालिक अगर लड़का हुआ तो आपका नाम रखें। गंगा मुझे बाप बनकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी दादा बनकर हुई है। क्यों ना हो, क्यों ना हो, पार्वती निवास का तीसरा वारिस आ रहा है। भगवान एक बार मेरे पोते को अपने गोद में खिला लो, फिर मुझे इस दुनिया से उठा देना। लाला जी आप अपने पोते की शादी भी देखेंगे? शादी? गंगा इतना लालची नहीं हो, मेरे लिए छोटी सी खुशी काफी है। अरे वो चित्रकार साहब कहाँ है? राम निकम्मे औलाद, ना घर का ख्याल ना जिम्मेदारी, मैं समझता हूँ। राम राम क्या बात है पिताजी? अरे पिताजी का बच्चा एक
तुझे रजनी का खास ख्याल रखना चाहिए, खास, समझा? जी जी हाँ पिताजी। अरे जी हाँ से क्या होता है, जब देखो तस्वीरें तस्वीरें। कुछ रजनी का भी सोचा कर। देख वो दुकान है ना जहाँ से मेरी दवाइयाँ आती हैं, दत्ता मेडिकल स्टोर। गंगा क्या नाम है? राजदान दवा। हाँ राजदान दवाखाना, राजदान दवाखाना फौरन जाओ वहाँ और उसे कहे कि मैंने असली कश्मीरी केसर मंगाया है। और देख रोज रजनी को दूध में मिलाकर केसर दिया कर, और अपने सामने अपने हाथों से। अरे मुंह क्या देख रहा है? सुन, उम्र भर पत्नी पति की सेवा करती है, लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है जब पति को भी पत्नी की सेवा करनी पड़ती है। तेरे लिए वो दिन आ गया है। और देख अब रजनी का जो मन चाहे वही लाकर दे उसे, खुली हवा में साथ ले जाएगा, अच्छे से अच्छे नजारे दिखाएगा। देख किसी बात से उसका दिल ना दुखे, समझ गया? ठीक है अब ठीक है जाओ। गंगा ये पिताजी ने मुझे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर किस लिए दिया है? अभी तक नहीं समझे? राम बाबू पहले इस घर में छोटे सरकार तुम थे, अब एक और छोटी सरकार आने वाली है या आने वाला है? अरे यानी कर जी मां बनने वाली है मां बाप। जियो गंगा जियो 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 गंगा। मगर गंगा काका पिताजी ने केसर लाने के लिए क्यों कहा है? रजनी को हलवा बनाकर खिलाना है? हलवा नहीं छोटे सरकार, अगर गर्भवती स्त्री को दूध में केसर मिलाकर पिलाया जाए तो बच्चा गोरे रंग का पैदा होता था। हाँ ये बात है, फिर तो गंगा काका मैं पूरी दुकान उठा लूंगा। माता की आमो निभाना पड़ेगा, तुम्हें मेरे घर में पूरन आना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा। जो माता की अजी अजी तुमने कुछ सुना? हो गया। क्या हो गया? गर्भ? हाय राम मैंने क्या हो गया अजी? अल्लाह मेरे क्या कल्ला। मामा पिताजी नर्स डर गए। अरे तो तू रोती क्यों नहीं? अरे ओ यमराज के भतीजे चला हो रहा यहाँ से। ओ भगवान क्या ये लल्लू काम का जो ऊपर से दूसरा भी भेज रहा है। अरे ओ मूर्ख औरत, कितने दिनों से तुझे कह रहा था कि अपने मैके चली जा, लेकिन तू नहीं मानी। अरे कुछ मेरी भी सुनोगे या यूं ही अनाप शनाप बकते रहोगे? अरे मैं बक रहा हूँ या तू नई बकवास को जन्म दे रही है? अरे मुझे गर्भ नहीं हुआ है। आए, तो फिर किसको हुआ है? रजनी का पाँव भारी है। आए, ये तो और भी बुरा हुआ, मैं इस खानदान की जड़े काट रहा हूँ और यहाँ नए फल फूल निकल रहे हैं। हम तो यहाँ घूमने आए थे, यहाँ भी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। बस बन गई, अब घूम कर देख लो। नहीं 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 अभी नहीं, थोड़ी देर और। कितनी देर इस तरह बैठी रहूंगी? प्लीज दो मिनट और बस। हाँ आप देख लो। आज बच्चे की तस्वीर बनाई है? हाँ कहो कैसा लगा? आप सुंदर हैं, तस्वीर भी सुंदर ही बनाएंगे। रजनी ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। जी हाँ मामूली कहाँ है, ये तो बड़ा रंगदार है। नहीं ये मेरा होने वाला बच्चा है, ये वो तोहफा है जो तुम मुझे शादी के बाद देने वाली हो। वो ऐसा ही होगा, उसे ऐसा ही होना चाहिए। रजनी मेरे ध्यान में तो अपने बच्चे का ये रूप आया है, कहो तुम्हारे ध्यान में कैसा है? मुझे सोचने की क्या जरूरत है, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा कैसा होगा। कैसा होगा बताऊं? ठहरो। कैसा होगा? ऐसा होगा। मेरे राजा, मेरे राणा। दादा के पास नहीं आओगे? मेरे राणा, मेरे मुन्ना मुन्ना। ये क्या पिताजी, आप खिलौनों से खेल रहे हैं? तो क्या हुआ, मेरे आने वाले पौधे की खुशी मुझे अभी से है। हाँ बेटी अब ये चाबियां तो संभाल, और तिजोरी के अंदर एक डिब्बा रखा है उसमें से सारे जेवर निकाल ले और पहन कर यहाँ देख रही है बेटी। ले गंगा तुम भी बहू के साथ जाओ। अच्छा मानी। आ,
प्रभु, कहाँ मेरा जन्म हुआ, किस मुसीबत में पली बढ़ी। कभी सपने में भी ना सोचा था कि इतने बड़े घर में जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तू ही बचाना प्रभु, तू ही बचाना। लाला जी बहू, तू है या कोई देवी श्रृंगार करके आई है। मैं बहुत खुश हूं। रजनी, ये भी पहन ले बेटी, ले। तेरी बहू रानी सज धज के आई है। तू इस घर की मालकिन थी, लेकिन तूने उम्र भर सूती साड़ी पहनी। इतने जेवर मैंने तुझे दिए, लेकिन तू संभाल संभाल कर रखती रही। हमेशा यही कहती थी कि ये चीजें तो जब मेरी बहू आएगी वो पहनेगी। देख, आज मैंने तेरे सब अरमान पूरे कर दिए। देख अपनी बहू को जी भर के देख। देख पार्वती, देख, देख जी भर के देख, और अपने दिल से आशीर्वाद दे कि सदा इसके मान में सिंदूर चमकता रहे, का शरीर हीरे मोतियों से भरा रहे, राम और इसकी जोड़ी सदा बनी रहे। दे आशीर्वाद दे। पार्वती, वो आ गई। पार्वती बहुरानी, मेरी पार्वती आ गई। वो तुझे आशीर्वाद देने आई है। वो तुझे आशीर्वाद दे रही है। वो तुझे आशीर्वाद दे रही है। गंगा गंगा, देखा अपनी मालकिन को? देखा लालाजी? देखा पार्वती को? देखा गंगा गंगा, देखा पार्वती को? पार्वती पार्वती, मुझे एक जरूरी खबर सुनाने यहां लाए हो ना? अब सुनाओ। बैठो बैठो। चंदा, डॉक्टर ने अपना फैसला सुना दिया है। मेरा हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया है। लेकिन टूटा तो तुम्हारा दायां हाथ था। ओ, दायां? उस वक्त दायां था, बाएं का बाद में पता चला है। ओ, आई सी। चंदा, मेरे जैसे टुंडे को तुम जैसी सुंदर लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं। भगवान तुम्हें कोई अच्छा सा जीवन साथी दे। शुक्रिया। कल ही भैया कह रहे थे कि मेरे लिए उन्होंने 3-3 वर देख रखे हैं। बस मेरे फैसले का इंतजार है। एक लड़का दिल्ली में IAS है, और दूसरा शायद जलंधर में सुपरिटेंडेंट पुलिस है, और तीसरा है तो तुम्हारी तरह बेकार, लेकिन उसके पास इतनी दौलत है कि हजारों आदमियों को नौकर रख सकता है। बल्ली, मैं बड़ी उलझन में हूं, किसको अपना जीवन साथी चुनूं? तुम तो मेरे हमदर्द हो, जरा मेरी मदद कर दो ना। इन तीनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? अरे हुजूर, चुप क्यों है, बताइए ना। बताता हूं।